बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेवतीपुर में 20 दिसंबर को रहर के खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। महिला का मर्डर किया गया था और मारने के बाद उसके गहने उतारकर उसे खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में एक महिला और उसके बेटे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका संगीता सिंह गांव के ही हनीस अंसारी के साथ अवैध संबंध था और इस संबंध के चलते हनीस अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मारपीट भी करता था। वहीं दूसरी ओर मृतका संगीता के अवैध संबंध से उसके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे। गांव में हो रही बदनामी से परिवार वाले परेशान हो चुके थे। अपने पति के अवैध संबंध और झगड़ा करने से तंग आ चुकी मामले के मुख्य आरोपी कुएसा खातून ने मृतका के भांजे रामपाल के साथ मिलकर संगीता की हत्या का प्लान बनाया और अपने बेटे मंसूर और उसके दोस्त साबिर को भी शामिल किया। आरोपियों ने 19 दिसंबर की दोपहर में संगीता की हत्या का प्लान बनाया और रात को चारों आरोपी महिला के घर में पहुंचे और उसे नशे की हालत में पड़ी संगीता को उठाकर उसके कोठे के घर में ले गए और वहीं गला घोटकर उसकी हत्या कर दिया। आरोपियों ने हत्या को छुपाने के लिए संगीता की लाश को रहर के खेत में फेंक दिया और लाश को फेंकने से पहले उसे लूट और बलात्कार का मामला बनाने के लिए महिला को पहले अर्धनग्न किया, फिर उसके गहने को उतार कर ले गए। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। किस प्रकार से आरोपी को पकड़ा गया? 20 दिसंबर की सुबह हमारे पास औरंगा निवासी मंगरू सिंह, वो थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पत्नी की लाश नग्न हालत में अर्धनग्न हालत में झिलियारी पारा है, औरंगाबाद झिलियारी पारा है, वहाँ पर अर खेत में मिली है। तो इस संबंध में हमने रिपोर्ट दर्ज कर हमारी पूरी टीम वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए गई और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जब हमने उस मामले में आगे जांच पड़ताल करी तो हमें पता लगा कि जो मृतिका है संगीता सिंह, उसका औरंगा ग्राम के ही एक हनीस नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ में कवित संबंध चल रहा है। और इसी बात को लेकर के जो हनीस है अपने बच्चे और पत्नी के साथ में मारा पीटी वगैरह करते हैं और घर में और गांव में काफ़ी इस बात को लेकर टेंशन है उनके बीच में। साथ ही हमको पता लगा कि जो मृतिका है उनका जो भांजा है जो भी जो कि औरंगा ग्राम में ही रहता है उसके द्वारा भी बार बार इनसे पैसे की मांग करी जाती है, उनके द्वारा मना किया जाता था और इनके बीच अवैध संबंध था, इसको लेकर के भी इनके परिवार की बदनामी हो रही थी। फिर आगे की हमने और जो हमने क्लू मिलते हैं उनके हिसाब से हम आगे हमें योजना जांच करते गए तो हमें पता लगा कि जो हनीस अंसारी है जिसके साथ में मृतिका का अवैध संबंध था उनकी पत्नी कुरेशा खातून, उन्होंने अपने बेटे और जो रामपाल जो भतीजा है भांजा है इसके मृतिका संगीता सिंह के, उनको ये बोला था कि इसको हम लोग मार देते हैं, मारने से क्या होगा कि हमारी जो बदनामी हो रही है वो कम हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के मृतका के भांजे रामपाल, हनीस अंसारी का बेटा मंसूर और उनका दोस्त सबीर, ये दोनों ने मिलकर के 19 की दोपहर में प्लान बनाया कि आज हम जो है ये संगीता सिंह है इसको मार देते हैं। तो ये लोग तीनों मिलकर के संगीता सिंह के घर पे गए और उसके घर के पीछे में ही एक बकरे रखने का जानवर रखने का जो कोठा है उसमें ले जा करके गला घोट करके संगीता सिंह की हत्या कर दी और लाश को उठा करके झिलियारी पारा के अरहर खेत में डाल दिया था। तो इस संबंध में हमने काफ़ी अथक प्रयास करा, सभी लोगों के बयान वगैरह लिए और इन चारों के खिलाफ में अपराध सबूत पाए जाने के आधार पर हमने इन्हें जेल में रिमांड में भिजवा रहे हैं। एक सर कौन कौन सा मामला इन पर धारा कौन कौन सा लगाया गया? इसमें धारा लगाया गया है 109, 302, 120B, 404 सभी धाराएं आपीसी की।